Hello viewers, today we will be talking about calculating the square of repeated numbers. Now coming up to what do we mean by repeated numbers? Repeated numbers that we have a series of ones, series of twos. Ab ye kitni baar bhi repeat ho raha hai, we are not considering here. That will again depend upon ki hum unka pattern identify karenge aur us pattern ke basis par it will be easy for us to identify ki un values ka hum square kaise calculate karte hain. So let's start with 1. नौ, वन का स्क्वायर क्या होता है? दैट इज़ वन. इलेवन का स्क्वायर क्या होता है? दैट इज़ 121. वी ऑल रिमेंबर इट. ये हमें जो है बार बार करके कैलकुलेट करके वी ऑल मेमोराइज इट. ओके, नो कमिंग टू 111 का स्क्वायर. नो 111 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो वी हैव मल्टीपल वेज. या तो 111 × 111 करें एंड सो ऑन. सो उस चीज़ को हम जो टीडीएस मेथड है वी वुड बी अवॉइडिंग दैट मेथड एंड वी वुड बी आइडेंटिफाइंग दैट व्हाट इज़ द ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ 111. 111 में कितने वंस हैं? तीन वंस हैं. तो हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3. 3 इज़ अपर लिमिट. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वंस यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं. फिर हम लिखेंगे 2, 1. राइट, नेक्स्ट इज अगर हमारा 1 चार बार है. वन अगर चार बार है तो लॉजिकली इट विल गो लाइक 1, 2, 3, 4. 4 तक हम गए, फिर 3, 2, 1. सो द पैटर्न फॉर वंस ऑलवेज गोज इन फर्स्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन गोज इनटू द डिक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक जाएगा ये डिपेंड करता है कि हमारे उस पर्टिकुलर नंबर में कितने वंस हैं. यहाँ पर कितने वन हैं? 3 हैं, तो 3 तक जाएगा, उसके बाद रिड्यूस होगा. यहाँ पर वन हमारे 4 हैं तो ये 4 तक जाएगा, 4 होने के बाद फिर रिड्यूस होगा. सो इफ़ यू हैव 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5. 5 बार है तो 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. इसका मतलब दिस इज़ द पैटर्न हाउ वी नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ रिपीटेड वैल्यूज ऑफ वंस. एंड वंस का हमने क्या लॉजिक देखा? नंबर ऑफ वंस काउंट कर लीजिए उस पर्टिकुलर वैल्यू में जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद वहाँ तक हमारा नंबर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होगा. ओके, सो दैट इज़ द बेसिक लॉजिक व्हेन वी टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर्स ऑफ वंस. नाउ टेकिंग द सेकेंड केस, दैट इज स्क्वायर ऑफ 2. स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है? 2 × 2 = 4. अब हम 22 के स्क्वायर पर आ जाते हैं. 22 का स्क्वायर हमें लॉजिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब कैलकुलेशन के लिए अब हम क्या करेंगे? वी कैन राइट इट एज 2 × 11 का होल स्क्वायर, बिकॉज 22 कैन बी रिटन एज 2 × 11 और स्क्वायर विल गो एज इट इज. सो दिस इज 2 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. और 11 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 2 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 × 2 = 1. सिंपल हम करेंगे 4 × 121, सो दैट विल बी 484. ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा है 222 का स्क्वायर. 222 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 × 111 का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी 2 × 2 = 4. 4 × 111 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये हमने लिख दिया 4. 111 में कितने वन हैं? 3 वन हैं. सो इट विल बी 1, 2, 3, 2, 1. राइट, अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 4 × 1 = 4. 4 × 2 = 8. 4 × 3 = 12. 4 × 2 = 8, 1, 9 एंड 4 × 1 = 4. सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, रिपीटेटिव वैल्यूज ऑफ 2. सेम वे मैंने यहाँ पर देखिए ग्रुप करके लिखा है 2, 4, 8. इसका मतलब हम 1 की वैल्यू के करस्पॉन्डेंस से हम 2, 4, 8 की वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे. इसका मतलब सपोज़ अगर ये यहाँ पर अगर ये 4 हो जाता, राइट, तो हम उस केस में क्या करेंगे? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, और जो भी इसका आंसर आएगा. सेम वे यहाँ पर अगर 4 × 4 है तो दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 4 का स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 16 एंड वॉट्स एवर. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो भी आंसर है. तो इसका मतलब अगर हमें 2, 4, 8 ऐसे वैल्यू का स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर 1 की वैल्यू का रेफरेंस लेकर या 1 के स्क्वायर की वैल्यू का रेफरेंस लेकर उसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम उनका स्क्वायर निकालते हैं. ओके, सो वी हैव डन विथ 1, 2, 4 एंड 8. नेक्स्ट विल कैलकुलेट
स्क्वायर ऑफ रिपीटेटिव वैल्यूज ऑफ 3. नाउ अगर हमें 3 का स्क्वायर निकालना हो, 3 स्क्वायर इज 9. अगर हमें 33 का स्क्वायर निकालना हो तो हम इसको लिखेंगे 3 × 11 का स्क्वायर. ठीक है, अब 3 का हो जाएगा 9 और 11 का हो जाएगा 121. सो दिस विल बी 9 18. 9 × 9 = 18 एंड दिस इज 1089. नेक्स्ट अगर 333 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे 3 × 111 का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 2 1. सो दैट विल बी 9 × 9 = 18 27 × 1 = 28 18 × 19 = 20 and this is 9 × 9 = 110. नाउ अब हम क्या करेंगे, इस नंबर और इस नंबर को कंपेयर करेंगे. जब हम कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी फाइंड इज दैट कि यहाँ पर जो 9 है वो यहाँ पर भी 9 है. ठीक है, यहाँ पर जो 0 है वो यहाँ पर भी हमारा 0 है. अब हम इससे पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ व्हाट द पैटर्न सेज दैट अगर हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगी. अगर हमें 33 का स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या लिखा, 1089. इसका मतलब हमने क्या किया, ये दोनों पोजीशन को फिक्स कर दिया, 0 और 9 को हमने फिक्स कर दिया. अब यहाँ बचा कितना, 3. 3 हमारा 1 बचा. उस 1 3 के करस्पॉन्डिंग हमने इसको लिखा 1 × 1 और 1 × 8. सिमिलरली अगर हमारे पास है 333 का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले ये 3 का स्क्वायर लिख लेंगे. 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9. अब बचे कितने, 3. 2 3 बचे, तो हम यहाँ 2 प्लेस छोड़ दिए. अब हम यहाँ हमारे पास एक और वैल्यू कौन सी फिक्स है, 0. 0 के पहले फिर कितनी हमारे जो वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएंगी 2. ओके, अब हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, 1 विल बी रिपीटेड ट्वाइस एंड 8 विल बी रिपीटेड ट्वाइस एंड सी वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. इसका मतलब आपको ये पैटर्न थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, दैट व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 3 व्हाट इज द पैटर्न. सिंपल द पैटर्न इज 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 09. तो हम इन दो पोजीशन में 09 लिख लेंगे. अब बचा हमारा सिंगल 3. सिंगल 3 के करस्पॉन्डिंग सिंगल टाइम 1 एंड सिंगल टाइम 8. नो नेक्स्ट अगर हमारा है 4 × 3. 4 × 3 है मतलब हम यहाँ पर 3 पोजीशन पहले छोड़ देंगे, 1 2 3 0 1 2 3 एंड 9. 0 और 9 हमने फिक्स कर लिया. मैंने आपको शुरू में ही बताया था कितने 3 हैं, 3 3 बचे हैं. उन 3 के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर 3 ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पर 3 ब्लैंक छोड़ देंगे. यहाँ लिख देंगे 1 1 1 एंड दिस विल बी 8 8 8. ओके, मूविंग अहेड हमारे पास है सपोज 5 × 3. 5 × 3 मतलब 1 2 3 4 × 1. 0 हमारा फिक्स हो गया, 1 2 3 4 × हमारा 8 और 9 हमारा फिक्स हो गया. ओके, सो दिस इज द पैटर्न वी हैव टू गो फॉर व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 3. सो 3 के स्क्वायर में हमने देखा 0 और 9 जो है वो हमारा फिक्स रहता है और 18 जो है वो स्प्लिट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन हमारे कितने नंबर ऑफ 3s हैं. ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है 6 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36. नौ अब हमें निकालना है 66 का स्क्वायर. 66 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121. हम सिंपल 121 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी हैव मल्टीप्लाइड it by using the transpose rule.
इसको आया 4, 3, 5, 6, ठीक है। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी हैव गॉट 4, 3, 5, 6। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, मैं आपको एक बार इसे सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ, सो दैट इनफैक्ट यू कैन गेट टू नो द पैटर्न। नाउ जब आप 666 को भी जब आप स्क्वायर करेंगे ना, तो यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न, एंड व्हाट इज़ दैट पैटर्न, वहाँ पर हम देखेंगे 3 और 6 जो है ना वो हमारा फिक्स रहता है, और 4 और 5 जो है दैट विल बी वेरिएबल। इसका मतलब अगर हमने लिखा 66 का स्क्वायर है 4, 3, 5, 6, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे स्टैटिक हैं। तो 666 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमने पहले 3 को फिक्स कर दिया और 6 को फिक्स कर दिया, तो हमारे 6 का स्क्वायर, पहले हम इसको हाइड कर लेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। अब यहाँ कितने 66 बाकी हैं, 2, सो वी लीव डाउन 2 प्लेसेस ओवर हियर, यहाँ पर ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 55, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास 6666 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ 3 बार पहले 4 लिख लेंगे, फिर हो जाएगा 3, फिर हम 3 बार लिख लेंगे 5, फिर हो जाएगा 6। इसका मतलब जैसे हमने देखा कि जब हम 3 के स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो एक तो 0 और 9 हमारे फिक्स वैल्यूज़ हो गए, साथ में क्या वैल्यू आया था 10, तो अ स्पेसिफिक पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। सिमिलरली जब हम 6 के स्क्वायर की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या देखा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और 4 और 5 हमारे एडिशनल वैल्यूज़ हैं। तो दिस पैटर्न हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, जिससे हम किसी भी वैल्यूज़, अगर 6 सपोज हमारा 5 बार भी होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 बार यहाँ 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5, 5, 5, 5 होगा, एंड देन 6। सो दिस इज़ द वे द स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू हैविंग अ रिपीटेड वैल्यू ऑफ 6 इज कंप्यूटेड। Now we have done with multiple values. We'll proceed further. Now when we proceed further, we take the next value as suppose 9. 9 का स्क्वायर क्या होता है, हम सबको पता है 81. अगर 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99 किससे क्लोज है 100 से, 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो व्हाट विल डू 99 माइनस 1 एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो 99 माइनस 1 कितना होगा 98, 1 का स्क्वायर किया 1, फॉर डबल जीरोस 2 प्लेस हैव टू बी लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 9801, ठीक है। अब हम करेंगे 999 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर मतलब 999 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 999 माइनस 1 विल बी 998 और ये आ जाएगा 1। अब 1 के लिए हमें क्या कहते हैं, 1000 में कितने जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ हैं, तो वी विल मेक इट 3 प्लेस, सो दैट विल बी 998001। सेम वे अगर हमारा 4 बार 9 होगा, तो हम पैटर्न मेकआउट कर ले, पैटर्न में देखिए क्या है, 99 है तो हमने लिखा 98 और 01 हमारा कॉमन रहेगा। 01 क्यों हुआ, क्योंकि 99 इज़ क्लोजेस्ट टू 100, 100 में कितने जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं, तो हम यहाँ पर कितने प्लेसेस चाहिए, हमें 2 प्लेसेस चाहिए। 999 है, 999 विल बिकम 998, 999 इज़ क्लोजेस्ट टू 1000 एंड 1000 हैज़ हाउ मेनी प्लेसेस, 3 प्लेसेस, तो ये हो जाएंगे 3 प्लेस। 4 बार 9 है, तो वी हैव 9998, सिंपल। इसमें कितने जीरोज़ होंगे, 10,000 से क्लोज है, 10,000 में हमारे 4 जीरो होते हैं, 4 जीरो मतलब 4 प्लेस, 1, 2, 3, 4, 1 लिख दीजिए यहाँ, उसके बाद ये हो जाएगा जीरोस। नेक्स्ट इज अगर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब यू नेवर हैव टू मल्टीप्लाई, जस्ट यू हैव टू यूज अ गुड लॉजिक दैट व्हाट इज द नंबर एंड व्हाट इज द फॉर्मुलेशन दैट हैज टू बी यूज्ड। So we are left with calculating the square of 5. फाइव का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई पैटर्न हैं। सपोज हम स्टार्ट करते हैं फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर क्या होगा 25।
नाउ अगर हमें 55 का स्क्वायर निकालना हो, सो वी गेट टू अ बेसिक लॉजिक. एकाधिकेन पूर्वेन का हम लॉजिक यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है, मेक इट अ पॉइंट, कोई भी नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और जिसका लास्ट डिजिट अगर 5 है, तो हम एकाधिकेन पूर्वेन यूज़ करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 जो है हो जाएगा 25, और ये जो 5 है दैट विल बी 5 × 6, सो दैट विल बी 3025. राइट, तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 11 का स्क्वायर, जो मेथड अभी हमने देखा था. तो ये हो जाएगा 25 × 121, और यहाँ पर हम फिर 121 से 25 को पर्यावरण रूल यूज़ करके हम इसको मल्टीप्लाई कर दें. 5 × 2 = 10, 10 + 11 = 12, और ये हो जाएगा 5 + 4, एंड दिस विल बी 2, एंड दिस विल बी 0. सो वी हैव 0, 2, 9, 12, 5, सो वी हैव 5, 2, 0, 3. सो इधर वेज इट इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी द सेम, यानी आएगा तो 3025 ही. इधर यू गो बाई दिस वे और बाई दिस वे. लॉजिकली इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लीकेशन से लेंदी हो जा रहा है, उससे बेटर है कि हम यहाँ पर इस रूल को यूज़ कर लें. ओके, सो दैट वॉज अबाउट कि अगर हमें 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 के स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, 5 × 11, और 5 × 5 = 25 हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया 121, ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया, द आंसर कम्स आउट टू बी 3025. उससे सिंपलेस्ट वे हमने क्या देखा, 5 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, एक तरफ हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर और आगे हमने कर दिया 5 × 6. नेक्स्ट अगर हमें 555 का स्क्वायर निकालना है, तो हम फिर यहाँ क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर एंड 55 का एक अधिक क्या हो जाएगा, 56. सिंपल, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा दैट विल गिव द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज 5555 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25. आगे क्या आएगा, 555 × 556. ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ द स्क्वायर ऑफ रिपीटेड पैटर्न हैज़ टू बी कैलकुलेटेड.